हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आईसीएएस से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। उस अनाउंसमेंट के तहत बहुत सारी खलबली स्टूडेंट्स में मच गई है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, पेपर्स कब होंगे, कैसे होंगे। इन सब बातों के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है अनाउंसमेंट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय आईसीएएस। मैं आपको बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मेजोरिटीली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। नागपुर के, विदर्भ के या रादर महाराष्ट्र के सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट का खासा इफेक्ट नहीं है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस उनको समझनी पड़ेगी, लेकिन सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली देयर इज सम गुड अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट है? तो ये अनाउंसमेंट आपको आईसीएआई के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आईसीएआई की वेबसाइट पे ये बताया गया है कि जो बिहार में इलेक्शंस है उसके तहत बिहार की एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। मतलब जो बिहार के स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के, सीए इंटर के और सीए फाइनल के, सबकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अफेक्टेड टू अस। सीए फाउंडेशन में जो एग्जाम थी, सीए फाउंडेशन की एग्जाम पोस्टपोन की गई है। जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम 9 तारीख से शुरू हो रही थी, वो एग्जाम अभी पोस्टपोन होके 19, 21, 23 और 25 ऑफ नवंबर को होगी। 19, 21, 23 और 25 नवंबर को होगी। और इसमें कुछ डिटेल गाइडलाइंस भी आपको दिए कि एग्जाम आईसीएआई कैसे कंडक्ट करने वाली है, क्या क्या उसमें होने वाला है, ये सारी बातें जो है आईसीएआई आपको बताने वाली है। दोस्तों, यहां पे एक ऑप्ट आउट ऑप्शन भी है। ऑप्ट आउट ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में हो, या अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, या देर आर सम सिम्टम्स रिगार्डिंग कोविड पॉजिटिव, तो आपको जो है यहां से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन आईसीएआई ने दिया हुआ है। तो यू कैन जस्ट ऑप्ट आउट फॉर द एग्जाम, और आपको आपके जो क्रेडेंशियल्स है, मतलब किसी का, अभी ये फाउंडेशन में तो लागू नहीं होता लेकिन इंटर फाइनल में लागू होता है, किसी का कुछ एग्जामिनेशन है, किसी कोई ग्रुप पास हो चुका है, तो वो सारे फीचर्स, वो सारे जो आपके क्रेडेंशियल्स है, वो आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो फाउंडेशन वालों को ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट करने के बाद अगर आपका मई 2020 ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो ड्रॉप हो गया, नवंबर 2020 अटेम्प्ट आ गया, अगर आप ये भी ऑप्ट आउट करते हो तो आपका पहला अटेम्प्ट मई 2021 माना जाएगा। ये सीए फाउंडेशन के लिए काम का है। सो दोस्तों, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए देयर इज नो चेंज, एग्जाम विल बी ऑन शेड्यूल। सीए फाउंडेशन द एग्जाम इज पोस्टपोन, आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, 19, 21, 23 और 25 नवंबर को होगी। अब ये बेस्ट चीज हो गई आपके साथ, क्योंकि जितने भी हमको रिविजन्स करने थे, जितने भी हमको एक्स्ट्रा पेपर सॉल्विंग करने थे, ये सारे करने का टाइम हमारे पास आ गया। एंड दैट्स व्हाई ये सबसे बेस्ट चीज हो गई आपके साथ कि ये एग्जाम आपकी 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो गए। तो बिल्कुल मायूस नहीं होना, अरे यार फिर से पोस्टपोन, मई का नवंबर हो गया, अब नवंबर का भी पोस्टपोन हो रहा है। डोंट वरी, यू हैव गॉट फैंटास्टिक टाइम इन योर हैंड, जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम। वो टाइम बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करिए। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ SOPs जो है आईसीए ने इशू किए, कुछ गाइडलाइंस आईसीए ने इशू किए, गाइडलाइंस आपके सामने है। बहुत सारी गाइडलाइंस है, 3 पार्ट में गाइडलाइंस, भाई एग्जाम सेंटर के लिए, एग्जाम इंचार्ज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इनमें से कुछ खास बातें जो आपको समझनी है वो मैं बता रहा हूँ। कैंडिडेट, पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान देंगे आप, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जाम हॉल पे ये सारी बातें लेके जाएंगे, ये सारी चीजें लेके जाएंगे। नंबर 1, मास्क ऑन फेस कंपलसरी, आप सभी को मास्क लगाना कंपलसरी है। अब आप मास्क तो लगाओगे, फेस शील्ड ऑप्शनल है। फेस शील्ड समझते हो आप, यहां से पूरा फेस कवर करेगा ट्रांसपेरेंट शीट से, दैट इज ऑप्शनल। एक दो बातें मैं समझा दूं यहां पे आपको। दोस्तों, मास्क लगाना कंपलसरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने वो N95 वाला बड़ा सा मास्क जो है, पूरा सा चोच सामान जो मास्क होता है, वो नहीं लगाना चाहिए। आपको मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंटली बता दूं कि आप मास्क लगाने से ऑक्सीजन इंटेक थोड़ा कम होता है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट उसका फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत हेवी, बहुत डबल कोटेड, ट्रिपल लेयर्ड कॉटन के मास्क वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं है।
आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो होता है 20 रुपए में मिलता है, ग्रीन कलर का होता है, वो लेके आइए, उसको पानी में घर में धोइए एक दो बार अच्छे से, और धोने के बाद वो कपड़ा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसमें से हवा आ जा सकती है, आप वो वाला मास्क जो है वो लगाइए, वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। एट द सेम टाइम जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है, नीचे देख के जब आप पेपर लिखोगे, एक अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा और जम के सांस छोड़ोगे ओह माय गॉड ऐसा करके, तो वो सारा फॉग आपके चश्मे पे आ जाएगा। सो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि कैसे आप मैनेज करोगे। तो मेरा ये सिंसियर एडवाइस रहेगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग घर में 3-3 घंटे जो है मास्क लगे कुछ चीजें लिखना उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो घर में, आईसीएआई के दे रहे हो या टेस्ट सीरीज के दे रहे हो हमारे एकेडमी के, तो वो पेपर देते समय आप लोग मास्क लगा के चश्मा लगा के पेपर दीजिए, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि इसको अपने को कैसे मैनेज करना है। ओनली फेस शील्ड इज नॉट अलाउड, तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। देन ग्लोव्स ऑन हैंड, आपको हैंड ग्लोव्स पहनना ये ऑप्शनल है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैंड ग्लोव्स पहन के कैसे पेन की ग्रिप आएगी और कैसे आप फास्ट लिखोगे उसमें फर्क पड़ेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद हैंड ग्लोव्स नो प्रॉब्लम, यू कैन वेयर हैंड ग्लोव्स, लेकिन घर में टेस्ट सीरीज देते समय, मॉक टेस्ट पेपर देते समय प्रैक्टिस करिए कि आप जो है हैंड ग्लोव्स पहन के आप पेपर लिख पा रहे हो क्या 3 घंटे, और कुछ कुछ तो 4 घंटे, तो ये पेपर आप लिख पा रहे हो क्या, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के बारे में उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया ट्रांसपेरेंट, तो यू हैव टू हैव ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विथ यू। इसका मतलब वो मेटल की थर्मोस्टैटिक बॉटल जिसमें ठंडा पानी ठंडा गर्म पानी गर्म रहेगा, दैट इज नॉट अलाउड। अब ये बड़ी थोड़ी सी दुविधा वाली बात हो गई, क्योंकि कोरोना के केस में हम एडवाइस करते हैं या हमको एडवाइस होता है कि आप गर्म पानी पीजिए, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ये गाइडलाइन दे दिया कि आप जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करेंगे। पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, 50 ml वाला या 100 ml वाला हैंड सैनिटाइजर आपको अलाउड है, जो आप खुद ले जा सकते हो अपने लिए, और हैंड सैनिटाइजर का पूरा पूरा उपयोग आपको वहां पे करने के लिए बोला है। लेकिन एक और मैं बात आपको यहां बता दूं, हैंड सैनिटाइजर में हम सबको मालूम है कि देयर इज गुड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अब एक और दिक्कत वाली बात है, ये किसी को पता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखे अभी अनाउंसमेंट आते बराबर बहुत तूफान लोगों ने वीडियोस डाले यूट्यूब पे, और बहुत बड़े बड़े मेरिटोरियस लोग और बड़े बड़े दिग्गज लोग होशियार लोगों ने खूब सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाले, लेकिन मैं आपको सिंसियरली एक बात बता रहा हूं कि अगर आप हैंड सैनिटाइजर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करोगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो वो आपके लिए घातक है, हानिकारक है। आप ये डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं, मैंने किया है, आप कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूं, हमारे हाथ पोरस होते हैं, इसमें से पसीना आता है, आता है ना, हाँ पेपर लिखते हैं तो बहुत सारा पसीना आता है हाथों में से, तो अगर इसमें से पसीना आता है और आप इस पर अगर बार बार सैनिटाइजर लगा रहे हो, तो वो सैनिटाइजर का अल्कोहल इसमें से एब्जॉर्ब भी होता है, और एब्जॉर्ब जाके कहां जाता है, आपके वेन में जाता है, और वेन में से अल्टीमेटली ब्लड में फ्लो होते होते वो आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा अफेक्ट करता है, या आपके कॉन्शियस को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। तो जितने होश आवाज में, जितने स्पीड में हमने क्वेश्चंस लिखने हैं, वो स्पीड में फर्क पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, जिसने 15-20 बार हैंड सैनिटाइजर लगा लिया हाथों को, उसने अगर पुलिस की वो टेस्ट दिया ना अल्कोहल टेस्ट वाली, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगी, हाँ आपके ब्लो में से जो है अल्कोहल का कंटेंट आएगा, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहां से, हैंड सैनिटाइजर के एप्लीकेशन से। इसलिए प्लीज ध्यान रहे कि हैंड सैनिटाइजर जरूरत से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करें, हर 5 मिनट में हम हाथ ही साफ कर रहे हैं ऐसा नहीं करें। इसके लिए 2-3 बातें ध्यान रखना है कि हम किसी से मिले ही नहीं, किसी से हाथ तो मिलाना सवाल ही नहीं आता, वो तो हम कर ही नहीं रहे इतने महीनों से, और सेंटर भी अपनी चीजें इस्तेमाल करें, आप जो है बिल्कुल जहां वहां जो है किसी चीज को टच नहीं करेंगे, तो आप वैसे सेव हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है रिस्क है, तो ऑप्ट आउट ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आईसीआई ये नवंबर की एग्जाम लेना चाहती है, बच्चों की बहुत जिद भी है कि एग्जाम हो जाना चाहिए, पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए एग्जाम हो रही है, तो एग्जाम आपको सही तरीके से देना है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड आइटम्स जैसे आपके डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन कार्ड, एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स, फोटो आईडी, ये जो भी है ये आपको सारा साथ में ले जाना है। आप जो मास्क पहनोगे वो मास्क आपको बोला जाएगा कि जब आप एग्जाम सेंटर में आप जाओगे
तो आपको जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो मास्क उतारना पड़ेगा, और जब आप साइन करोगे तब भी आइडेंटिफिकेशन के लिए मास्क आपको उतारना पड़ेगा। ये लंबी गाइडलाइंस है, ये आपको अटैच हो जाएगी या इंस्टीट्यूट से आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ये गाइडलाइन का और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 प्रिकॉशंस, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स, एंड द एंट्री टू द एग्जाम सेंटर शैल बी अलाउड फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड फॉर नवंबर 2020 एग्जाम। अब तक ऐसा देखा जाता था कि अगर 2 बजे का पेपर है, आपको 1:45 को पेपर जो है रीड करने के लिए मिल जाता था, तो आपको 1:30 सेंटर पे अलाउ करते थे। लेकिन अभी क्योंकि 1:30 एकदम से भीड़ सेंटर के अंदर जाएगी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सिंपल सा काम किया, उन्होंने एग्जाम सेंटर 1 बजे खोल दिए। तो आप धीरे 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 कुछ कुछ लोग जो है अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एग्जाम सेंटर में जा सकते हैं। सो नाउ पेपर के 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर खुल जाएंगे, तो आप अगर 1 बजे भी एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए तो आपको जो है वहां एंट्री मिल जाएगी। और अगर आपका पेपर बाय चांस जल्दी होता है या आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप वहां से 4 बजे ही निकल सकते हो। पहले ऐसी गाइडलाइंस थी कि आपको जो है 5 बजे के पहले, पेपर कंप्लीट होने के पहले निकलने को नहीं मिलता था, लेकिन इस वक्त जो है कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में आपको जो है 4 बजे ही एग्जाम सेंटर से निकलने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, कि जब आप सेंटर पे जाओगे तो दे आर गोइंग टू चेक योर टेम्परेचर। तो आप सपोज 11 बजे से, 11:30 बजे से, 12 बजे से सेंटर के बाहर खड़े हो और धूप में खड़े हो बाय चांस, अब वैसे तो नवंबर की एग्जाम है, धूप कम रहेगी, लेकिन फिर भी हमारे नागपुर में कुछ बोल नहीं सकते कब गर्म होता है कब ठंडा होता है। अगर आप धूप में खड़े हो और आपका मान लो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो दे मे फील और दे मे ऑफ द ओपिनियन कि आपको कोरोना सिम्टम है, और आपको वो मना कर देंगे सेंटर में आने से, तो आपका सारा प्रिपरेशन जो है वो वेन में जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी सेंटर पे जाने की घाई ना करें, 1 बजे सेंटर पे पहुंचे, ठंडी छाव में खड़े रहे और उसके बाद सीधा सेंटर पे चले जाए। अच्छा, एक और प्रॉब्लमेटिक बात, ये गाइडलाइंस अगर आप पढ़ोगे गौर से, इसमें बोला है कि वो थर्मोस्टैटिक गन जो है, लेजर गन रहेगी, वो जो टेम्परेचर आपको जो है आपका गिनेगी। अब ये सारे होशियार लोग ये टेम्परेचर आपका यहाँ गिनेंगे, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ इमिडिएटली पीछे ग्लैंड्स होते हैं अपने, वो ग्लैंड जो है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लेजर जो है डायरेक्टली उसको अफेक्ट करता है। सो आपने उनको वो भी मना करना है कि लेजर आपने यहां नहीं करना है, वो यहाँ गले पे मार सकते हैं, या बेस्ट है आपके हाथ पे जो सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन पे लेजर अप्लाई करें, यहां से टेम्परेचर करेक्ट आ सकता है, यहां से टेम्परेचर करेक्ट आ सकता है। काइंडली आप अगर 8 पेपर दे रहे हो इंटर के या फाइनल के, या इवन 4 पेपर दे रहे हो, तो 4 बार यहाँ लेजर गन, या 4 यार 4 8 बार, मतलब वो दो दो जन तो मारेंगे कम से कम, यहाँ लेजर गन मारोगे तो वो दैट इज नॉट करेक्ट। यू मे क्रॉस चेक माई पॉइंट विद दी डॉक्टर्स, साउंड डॉक्टर के पास चले जाइए, अच्छा डॉक्टर के पास चले जाइए, और बताएगा कि हाँ यहाँ इसके पीछे ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लेजर, तो आप जो है यहाँ लेजर गन नहीं चलाने लगाएंगे उनको जो टेम्परेचर काउंट करने वाले, आज दिन कि वो यहां से टेम्परेचर ले, हाथ के इस पार्ट से टेम्परेचर ले, वो करेक्ट टेम्परेचर आ जाएगा, या गले से आप ले सकते हो, गले पे आप लेजर गन लगा सकते हो, उससे टेम्परेचर आ सकता है, बट यहां बिल्कुल नहीं मारने देना। तो बात ये समझ में आ गई, आप 1 बजे जो है सेंटर पे जा सकते हैं, 1:45 को आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और 2 o'clock से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे अगर आप चाहते हो तो आप वहां से निकल सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर से जरूरत नहीं है, और पेपर खत्म होने के बाद भी आपको धीरे धीरे बाहर निकलने को मिलेगा, सब लोगों को एक साथ जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, शायद वो क्लास बाय क्लास छोड़ेंगे, जैसे कि क्लास अलॉट होते हैं 1 to 14 क्लास, 1 to 20 क्लास, 1 to 25, जितने भी क्लास है वो धीरे धीरे आपको छोड़ेंगे, और डेफिनेटली क्लास में भी आपको दूर दूर बैठना है, उनके अरेंजमेंट करना, ये सारी बातें इसमें लिखी है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई है इंस्टीट्यूट ने, ये सारी बातें इसमें क्लियरली दी है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रखी है। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर रीचिंग द एग्जाम सेंटर्स दैट दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम और सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 डिजीज। अगर आपको लगता है कि अभी तो आप ठीक हो, लेकिन जिस दिन पेपर है उस दिन आपको सिम्टम आ गए, तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, आपको वो एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। आपने अगर ये भी बोल दिया कि नहीं हमें तो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, नॉर्मल सर्दी खांसी है, नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर है, किस किस को तो एग्जाम एंजाइटी में टेम्परेचर आ जाता है, एग्जाम की एंजाइटी हो जाती है और टेम्परेचर आ जाता है, तो ऐसे लोगों को भी सेंटर पे आने नहीं दिया जाएगा। प्रिकॉशनरी है, काइंडली एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम इंचार्ज के साथ, वहां के सेंटर इंचार्ज के साथ आप जो जो है वो आर्गुमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे, मैं आपको पहले बता दिया कि कैंडिडेट्स जो है जब वो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो मास्क लगा के ही जाएंगे, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब मास्क भी अगर आप 3 घंटे कंटिन्यूस मास्क पहन के हो तो आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से कम होता है, इसलिए मास्क फिर से एक बार बोल रहा हूँ अच्छे से चुनिए,
यू कैन यूज इट, जो वाटर बॉटल यू कैन हैव 50 ml और 100 ml हैंड सैनिटाइजर बॉटल जो है आप ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप वहां जाओगे एग्जाम सेंटर पे, तो आपने जो है अपना बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर है कि नहीं पहले देख के जाना है। इतनी बातें मैंने बार बार आपको बता दी। दूसरी बात, ऑब्वियसली कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कैरी देयर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस, हम में से आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है स्मार्ट वॉचेस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है, जिसमें बहुत सारे फिगर्स, इंडेक्स, हेल्थ चार्ट वगैरह दिखते हैं आपके, वो बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स दिखते हैं, वो सारी जो है स्मार्ट वॉचेस बैन है। और पेपर लिखते समय वॉच का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए ध्यान रहे, यू शुड हैव वन सिंपल एनालॉग वॉच, सिंपल एनालॉग वॉच आप लेके जाइए। आपके पास नहीं होगी तो फादर से लीजिए उधार और लेके जाइए, और वो वॉच पहने। स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड, मोबाइल फोन ऑब्वियसली नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड, बुक्स भी नहीं अलाउड है, रिटर्न मटेरियल भी अलाउड नहीं है, एंड बैग्स भी अलाउड नहीं है इन साइड द एग्जाम हॉल। अब इन साइड द एग्जाम हॉल बोला, इसका मतलब सेंटर पे आप चाहे तो ले जा सकते हो। अगर आप बोलेंगे सर हम 1 बजे से वहां जाएंगे, 1 बजे से 1:45 तक या 1:30 तक आधा घंटा मिलता है, वैसे ही खड़े रहेंगे क्या, तो सबसे गप्पे मारेंगे क्या, मत मारो, हरकत नहीं। इफ यू वॉन्ट टू कैरी योर नोट्स यू कैन कैरी इन योर बैग, बट यू हैव टू कीप इट आउटसाइड द एग्जाम हॉल। और मोबाइल का तो ऐसा है कि मोबाइल बैग में रखना पड़ेगा या व्हीकल में रखना पड़ेगा, फिर वो खराब हुआ या चोरी हुआ तो वो रिस्क सारी आपकी रहेगी। इसलिए बेटर है कि मोबाइल लेके ही नहीं जाने का, देयर इज नो नीड टू कैरी दी मोबाइल। ठीक है, थर्मल स्कैनिंग जो है आपका होगा, टेम्परेचर स्कैनिंग, मैं आपको उसके बारे में बता दिया। और कैंडिडेट शैल कंटिन्यू टू वियर मास्क and shall remove the same only at the time of their personal identification। जब आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, सेंटर पे आप एंटर करोगे, तब आपको शायद मास्क रिमूव करना पड़ेगा। आपका चेहरा फोटो आईडी से मैच होना चाहिए, एंड वेन यू आर साइनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर पे ऑलरेडी आपका फोटो छप के आता है तो उससे भी वो मैच होना चाहिए। ये दो बातें आपकी ध्यान रहेगा, आपको मास्क रिमूव करना पड़ेगा। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर ओन पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, वाटर बॉटल एक्सेट्रा, एंड borrowing, lending, exchange of the same in the exam hall is strictly prohibited। मैं पेंसिल भूल गया मुझे लेना है, या मैं फलाना ढिकाना चीज भूल गया मुझे लेना है, that is not allowed and in the center। तो आप प्रॉपर पेन पेंसिल लेके जाइए, आपको पेंसिल लगेगी, पेन लगेगा, पेपर सबको ब्लैक इंक से लिखना है, खास करके मेरा वाला पेपर अकाउंट्स का या लॉ का पेपर जो है आपको ब्लैक इंक से लिखना है, ध्यान रहे। तो ब्लैक पेन पेपर्स प्रॉपरली आपको लेके जाने हैं। मास्क जो आप लगा रहे हो, वो मास्क वहां पे आपका बाय चांस खराब हो गया या फट गया, टूट गया, जो भी है, तो एक्स्ट्रा मास्क भी वहां पे अवेलेबल रहेंगे, आप वो मास्क उनको मांग के पहन सकते हो। लेकिन बेटर है कि अपने एक दो मास्क अपने जेब में रहे और जो है उसको आप पहने। अगर वो प्रॉपर कपड़े का मास्क है, ग्रीन कपड़े का, और एक दो बार धुला हुआ है, तो अच्छा पक्का मास्क रहता है, वो आप यूज वहां पे कर सकते हो। While the admit card will be printed online, the candidates have to give consent to following various guidelines issued by the government authorities as also the ICAI। इसका मतलब ये है कि आपको कोविड नहीं है, आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, या आपको वहां सेंटर के कारण अगर कोविड हो जाता है इन्फेक्शन, तो ICAI इज नॉट रिस्पॉन्सिबल वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी conditions रहेगी। ये एडमिट कार्ड के साथ छप के आएगी, वो उसको जो है आपको जो है साइन करके देना पड़ेगा। इफ यू आर माइनर तो पेरेंट्स के साइन उस पर लेना पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ गाइडलाइंस जो है वो ICAI ने आपको दिए हुए, ये सारे गाइडलाइंस आपने एक बार अच्छे से पढ़ने चाहिए। वैसे उसमें से काम की बातें मैंने बता दी, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात थी वो भी मैंने बताई। मैंने फिर से एक बार रिपीट करना है, मास्क पहनना है, सादा सिंपल मास्क लो, कपड़े का मास्क लो, सिंगल लेयर का, उसमें से आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाओ ऐसा मास्क लो, उसमें से आपके चश्मे पे जो है फॉग ना जाए ऐसा मास्क लो। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हो, लेकिन हैंड सैनिटाइजर आपने रिस्ट्रिक्टेड वे से ही यूज करना चाहिए। बहुत बार हैंड सैनिटाइजर लगाने से आपकी इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा, आप जिस इफिशियंसी से पेपर लिखते हो उस इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर जो वो चेक करने वाले हैं वो यहाँ चेक नहीं करने देना, उनको यहाँ पे हाथ के किसी भी पोर्शन पे उनको चेक करने देना, दैट इज बेटर। और आपने जो है एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें साथ में लेके जाना है, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, एग्जाम बोर्ड, जो भी आपको चाहिए वो लेके जाना है। लेकिन कोई भी प्रकार का मटेरियल, कोई भी प्रकार का बुक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, डिजिटल वॉच और आपका मोबाइल फोन, ये सब वहाँ पे बैन रहेगा, ये आपको ले जाना नहीं। एंड लास्ट, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल जो बच्चे महाराष्ट्र के, नागपुर के, विदर्भ के, उनको कोई भी फर्क नहीं है, नॉर्मल उनकी एग्जाम होने वाली है।
और सीए फाउंडेशन की एग्जाम जो है वो चेंज हो गई। वहां पे मैंने आपको डेट्स फिर से एक बार दिखा देता हूँ, डेट्स है उनकी 19, 21, 23, 25 नवंबर। तो आपको जो 9 तारीख की एग्जाम शुरू होने वाली थी वो 19 को शुरू होगी, मतलब आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा जो है समय मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, वो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। जिन्होंने जो है पासिंग का तैयारी किया होगा वो रैंकिंग की तैयारी करें, जिन्होंने एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी उन्होंने डिस्टिंक्शन की तैयारी करना है, अपनी अपनी तैयारी बढ़ना है। ये 10 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत अच्छे है, इसका पूरा पूरा फायदा आपने उठाना चाहिए, राइट। सो ये थी बातें अनाउंसमेंट के बारे में, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई ने क्या अनाउंसमेंट दिया क्या नहीं दिया ये आपके सामने है, और आपको जो सही तरीके से पढ़ाई करके अपना अटेम्प्ट देना है। हाँ दोस्तों, एंजाइटी रहेगी, बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारी डर रहेगा, बहुत सारी नई चीजें आएगी आपके सामने। एक तो पहली आपकी फाउंडेशन वालों के लिए पहली ऑल इंडिया एग्जाम है, या नो साफा कंट्री इंटरनेशनल एग्जाम है आपके लिए ये, लेकिन ये एग्जाम को सही तरीके से आपने अपियर करना ही करना है, ठीक है। सो अपनी एंजाइटी को बिल्कुल काबू में रखना और बिल्कुल होश और आवाज में जाके एग्जाम देना। मेरे को तो बड़ा टेंशन इसलिए कि फर्स्ट पेपर मेरा ही है और बहुत लेंदी पेपर आपको मालूम है, और फर्स्ट पेपर मेरा ही अगर गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल कूलली सर चीजों को हैंडल कीजिए। वो बार बार आपको एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस से डिस्टर्ब होना नहीं है, अपने काम प्रॉपरली कर जाना है, कहीं गलती नहीं करना रोल नंबर लिखने में, या कई सर्कल्स करने पड़ते हैं आपको रोल नंबर में फर्स्ट पे, कहीं भी गलती करना नहीं है। बिल्कुल दिमाग को शांत रख के आपने सारी एग्जाम्स को प्रॉपरली देना है। So this was from my side. Wish you all the best for your exams and do great, do best, give best shot of yours and come in flying colors, my dear friends. Thank you so much. All the best.